हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, अमरेश सिंह एडवोकेट बोल रहे हैं। बताइए। ऐसा है कि एक सदर अस्पताल में एक मरीज आई हुई उल्टी दस्त की, मनोज पांडे जी बोले हैं कि सीएमएस साहब से बात कीजिए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन उसको लगना है। हमारी उल्टी दस्त में ऑक्सीजन कहाँ लगता है भैया? हमारी गाड़ी, मनोज पांडे जी से बात कीजिए, हमारी गाड़ी में जो ऑक्सीजन लगा उसी से उसका जीवन चल रहा है और वो भी खत्म होने वाला है। आप तो भर्ती कराइए, क्या करना तो भर्ती कराइए। तो भर्ती तो मनोज पांडे जी ले नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो आपका नंबर दिए हैं कि आपसे बात करें हम। अरे जीरो बेकूफी वाला काम करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन तो सब लगा। अच्छा रखिए, हम बात करते हैं। लीजिए बात कीजिए, लीजिए। हाँ हेलो, क्या है भाई? उल्टी दस्त में ऑक्सीजन की जरूरत है भाऊ? नहीं नहीं, उल्टी दस्त नहीं है सर, उसको जो है बतावत है। वकील साहब तो बतावत हूँ कि उल्टी दस्त हो रही है। नहीं नहीं, वो ऑक्सीजन के लिए कह रहे हैं तो वो सर पूछिए, कंप्लेन पूछ लीजिए। जो कंप्लेन है तो अब महेंद्र से बात करते हैं, देखें। महेंद्र दो निकाला था ना, एक आध है छोटा वाला एडजस्ट कराइए। महेंद्र दो निकाले थे सर, दो लग गया, ठीक ना? हाँ हाँ, तो अब उनसे बोल दीजिए कि और लाकर के व्यवस्था करें तो हम लगवा देते हैं। व्यवस्था क्या, वही ऊपर वाला खजाना नहीं है यार। अरे सर वो तो उसका, अब जितने लगे हैं जो खाली होंगे अब। चलिए देखिए, बात करते हैं। लीजिए सर, बता ऐसे जो आएगा कहेगा ऑक्सीजन दीजिए तो कहाँ से दिया जाएगा? एक सीमा। हाँ बोल रहे हैं, देखते हैं है कि नहीं। हाँ तो एडमिट करवाइए सर, और बढ़ुआ गोदाम में है, आप बात कीजिए, हम लेते आते हैं वहाँ से, हम वहाँ पेमेंट कर देंगे अगर वो देने को तैयार होगा तो। कौन? बढ़ुआ गोदाम में जो इंडस्ट्री एरिया में है ऑक्सीजन वाला, अगर वो देने को तैयार होगा तो आप बात कीजिए, हम अपनी गाड़ी से मंगवा लेते हैं। अभी हम बात करते हैं चीफ साहब से अपने, जो जिनके अंडर में है। एक मिनट, अच्छा बात कीजिए, तब तक तो एडमिट करवाए जाए ना। बात कर लेने दीजिए, रुकिए। ठीक है, बात कीजिए, बात करके बताइए। एडवोकेट अमरेश सिंह और चिकित्सा अधिकारी मऊ के बीच की हुई इस वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि मामला क्या था। हालांकि इसके बाद एडवोकेट अमरेश सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोबारा फ़ोन करके बताया कि ऑक्सीजन की कमी से बच्ची मर गई, इस पर अब हम क्या करेंगे। इस पर हेलो, हाँ सर नमस्कार, वो लड़की मर गई। कुछ कहा आए? लड़की मर गई। एडीएम वो गैस्पिंग कर रही थी सर। हाँ नहीं कर रही थी, लेकिन एडीएम साहब बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। नहीं नहीं, अभी सर वो गया है निकाल करके, अब अभी वो थोड़ा सा फ्रेश हो रहा है, पहुंच रहा था। नहीं पहुंच रहा था सर, ये बताइए किसी को, उसको हमेशा उतना स्टॉक में निकाल के जाना चाहिए ना। किसी नहीं नहीं, किसी की जिंदगी नहीं ना लौटा देंगे आप। निकाल के गया था सर, वो तीन निकाल के गया था, तीनों लग गए थे, तब तक फिर कॉल आ गई है। हाँ नहीं तो वो फ्रेश हो रहा है, पर होकर के वही जा रहा था। हाँ आप आए हैं सर। हाँ तो अब अच्छा ही बताइए, दूसरी चीज बताइए, अभी एक मरीज और मर भले आ सके, हुआ मरने को है। वो सर आपके ऑक्सीजन पे ही थी, लेकिन टर्मिनल ठीक सर, लेकिन हमारा ही ऑक्सीजन लगा रहा था ना, आपका ऑक्सीजन तो नहीं मिला उसका ना। आपके ऑक्सीजन है लेकिन हमारा ऑक्सीजन तो नहीं मिला उसका ना। और अब सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। नहीं नहीं, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, वो मामूली से रिपेयर के लिए बंद पड़ा हुआ है। क्यों ऐसा बंद पड़ा है भाई? सर कौन उसको रिपेयर कराएगा? मामला है नहीं, अरे सुबह और सदर अस्पताल क्यों है? योगी जी कह रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं और आपका एन मौके पर सोच करने चला जाए। बहुत है सर, रात भर हम लोग जगे हैं। बिल्कुल सर, आपके डॉक्टर साहब निश्चित रूप से मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, मैंने देखा है आपको। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब तो रात भर हम भी उनके साथ जगे, हमारे फार्मासिस्ट भी जगे हैं। नहीं लेकिन उनको एन मौका पे जब सिलेंडर निकाल के जाना चाहिए ना, जब खाली हो गया तो इमरजेंसी निकाल के गया है, तब तक वो चेंज हो गया, फ्रेश हो गया, वही आ रहा था जी।
उसके बदले में कोई आवश्यक सेवा, अरे सॉरी सर, आवश्यक सेवा वाला रहना चाहिए। निकलवा दे रहे हैं, निकलवा रहे हैं सर, अभी वो आपका ऑक्सीजन लगा हुआ था। ऐसा है कि भलिया में, सुनिए, भलिया में दो एक्सीडेंट से मौतें हुई हैं, ठीक, और ये सब एक ही दूसरे के खर खानदान से थे। तो अरे नहीं सर, मौतें तो प्रधान में भी हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। नहीं, मौत हो जाए सर, देखिए मौत पे कोई नहीं, किसी को रोक सकता, हमारी भी मौत हो सकती है। सर आप होशियार आदमी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, हम एडमिट कैसे करें। नहीं नहीं, फिर गाड़ी निकाल के गया है तब तक, और दो घंटे सर, दो घंटे उसके बाद भी हमारा। नहीं नहीं, दो घंटे नहीं सर, जैसे आप पहुंचे हैं वैसे वो पहुंचा। नहीं सर, वो पहुंचे थे, टाइमिंग से देख लीजिएगा, और जब पहुंचे थे 7 बजे पहुंचे थे, 7 बजे से पहले पहुंच गए थे सब सदर अस्पताल, सब 6 बजे सदर अस्पताल पहुंच गए थे सब। जी, हाँ, डॉक्टर साहब ने जाके एम्बुलेंस में ही इंजेक्शन जो लगाया पहुंचे हैं वैसे ही हमने हम काल किया। तो साहब मैं लैट्रिन में बैठा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ। हम तो सर बाद में पहुंचे हैं, बाद में हमको जानकारी हुई है। मैं तो शहादतपुरा में रहता हूँ, तब मैं पहुंचा हूँ कि ऑक्सीजन के अभाव में क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, ऑक्सीजन का अभाव नहीं है सर। नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूरा सीएमए साहब, ऑक्सीजन पूरा निकलवाइए, मरीज चाहिए, नहीं तो सोमवार को मैं यही चक्का जाम करवाऊंगा यहीं।